हिमाचल के ज्वाली के अधीन थप्पल में वन विभाग द्वारा एक बूटा बेटी के नाम कार्यक्रम के तहत वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने चंदन का पौधा रोपित कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में जामुन, कचनार, बेहड़ा, शीशम, आंवला तथा कई प्रजातियों के करीब 120 पौधे लगाए गए। वहीं 5-5 पौधे बेटियों के नाम से भी लगाए गए। इस अवसर पर विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए और साथ में पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए। दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। हम सब लोग एक एक पौधा बेटी के नाम लगाएं। इस अभियान के तहत आज यह वन महोत्सव कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। ज्वाली में इस अभियान के तहत 135 बेटियों के नाम पौधारोपण किया जाएगा। वहीं DFO नूरपुर बासु कौशल ने कहा कि पूरे रेंज ज्वाली में 135 नवजात लड़कियों के नाम पौधारोपण किया जाएगा। इसमें लड़कियों को 5-5 पौधे व 20 किलो ब्राह्मणी कंपोस्ट खाद व ट्री गार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नूरपुर वन मंडल में 590 नवजात लड़कियों के नाम पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है तथा पूरे मंडल में 1700 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। वन महोत्सव का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए। दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम सब लोग एक पौधा अपनी बेटी के नाम लगाएं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैंने अपने उपमंडल नूरपुर और इसके रेंज ज्वाली में इस कार्यक्रम को आज शुभारंभ किया है। तो मैं भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी ही हमारे लिए अमोल है और बेटी के साथ साथ पौधे भी उतने ही हमारे लिए अमोल हैं। तो मैंने ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इसके लिए मैं अपने वन विभाग के समस्त अधिकारियों को, अपने आदरणीय DFO मैडम बासु को भी और इनके सब सहयोगी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस ये सबसे बड़ा पावन अवसर है, पावन दिवस है कि किसी ने बेटी के लिए सोचा है और किसी ने पर्यावरण के लिए सोचा है। मैं आप सबके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को और प्रदेश के वन मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी को भी बहुत बहुत। यहाँ पे जो है पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जो माननीय विधायक ज्वाली विधानसभा क्षेत्र हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और हमारा जो इस बार 71वां वन महोत्सव है उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश ने 21 जुलाई को जो है वो स्टेट वाइड लेवल पे की थी। और इस पौधारोपण कार्यक्रम में आज ये हमारी यहाँ पे एक हार जगह है, यहाँ पे हमारी साथ ही एक नर्सरी है और उसके साथ ही एरिया है जहाँ पे हमने प्लांटेशन का कार्यक्रम संपन्न किया है, जिसमें करीब 120 पौधे आज यहाँ पे हमने रोपित किए हैं। और इसके साथ ही एक इस बार जो हमारी सरकार की एक अनूठी पहल है, एक बूटा बेटी के नाम स्कीम के तहत भी आज हमने यहाँ पे पौधारोपण किया। तो इस स्कीम के तहत जो है वो सितंबर ऑनवर्ड्स, सितंबर से लेकर के जून 2020 तक जो है हमने वन विभाग ने ये डाटा एकत्रित किया था कि जो नवजात बेटियां हैं इस दौरान वो कितनी पैदा हुई हैं। तो जो स्कीम है उसके अनुसार इस दौरान सितंबर के बाद जो जितनी भी नवजात बेटियां पैदा हुई हैं, हर एक बेटी के जो पेरेंट्स हैं उनको विभाग की ओर से 5-5 पौधे और उसके साथ एक किट प्रदान की जाएगी, जिस किट में के 5 जो हमारे ट्री गार्ड्स रहेंगे उन पौधों को रोपण करने के बाद उनकी प्रोटेक्शन के लिए, एक साथ में नाम पट्टिका, नेम प्लेट जिसके ऊपर उस बेटी का नाम लिखा जाएगा,
जिसको सम्मान देने के लिए स्कीम के तहत ये पौधारोपण किया जा रहा है। और साथ ही वर्मी कंपोस्ट खाद जो हमारी होती है उसका एक 20 केजी का जो किट है वो इनको इसमें वितरित किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.